नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम हीमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं। उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और किस प्रकार से बन के आते हैं, वो सभी हम बताएंगे। फ्रेंड्स, इसको शुरू करता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स होंगे और जो भी की पॉइंट्स होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, वो सभी इस पे अपलोड किए जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस पे प्रयासरत है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गंवाए। आप देख सकते हैं पहली लाइन और इससे क्या क्वेश्चन बनता है वो भी हम देखेंगे। इन नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फ्रेंड्स ये बोल रहा है नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम मैक्स एंटीबॉडीज आफ्टर इट्स एक्सपोजर, मतलब डिजीज से एक्सपोज होने के बाद एंटीबॉडी बनाता है। दिस रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट विद द डिजीज, मतलब डिजीज के साथ आपका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या ज़रूरी है, एक्सपोजर टू डिजीज, इम्यूनाइजेशन, ऐसे सब कुछ पूछा हुआ है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक्सपोजर टू डिजीज़ इज़ नीडेड। और फिर उसमें पूछा है कि किससे किस के थ्रू इम्यूनिटी मिलती है, तो वो है आपको एक्वायर्ड, मतलब आप खुद अचीव करते हैं उसको। एक्टिव इम्यूनिटी है, मतलब आपकी बॉडी खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसका वर्ड हर एक एक मीनिंग बता रहा है कि नेचुरली मीन्स आप एक्सपोज होंगे, नेचुरली एक्वायर्ड मीन्स आप डिजीज़ की तरफ एक्सपोज हुए, आपकी बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंटीबॉडीज बनाई और आपको इम्यूनिटी दे दी। दूसरा आता है इन नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आपको समझ में आ गया होगा इस वर्ड को और एक्सप्लेन करेंगे। नो एक्टिव इम्यून प्रोसेस इज इन्वॉल्व, एंटीबॉडीज आर पैसिवली रिसीव्ड थ्रू प्लेसेंटल ट्रांसफर बाई इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो कि स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग जिससे हम कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त करते हैं, कोलेस्ट्रम से। तो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है ये कि नेचुरली एक्वायर्ड, मतलब आपको मिल रही है नेचुरली, आप अचीव कर रहे हैं, पर पैसिवली मिल रही है आपको, मीन्स आपकी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी वहाँ पर नहीं बनाई है, बल्कि वो एंटीबॉडीज़ कहाँ से रिसीव हुई है, प्लेसेंटा के थ्रू रिसीव हुई है। ठीक है, जिससे प्लेसेंटा से कौन सी रिसीव होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को पार कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, तो उसका आंसर इम्यूनोग्लोबुलिन जी जाएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसीलिए ये क्रॉस कर पाती है। और दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग से जो आप कोलेस्ट्रम होता है उससे प्राप्त करते हैं, तो ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी है। ऐसे पूछा गया है कि कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियसली आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें, ब्रेस्ट फीडिंग हो या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो या कोलेस्ट्रॉम हो, ये तीन दे देंगे चौथा एक्सपोजर टू डिजीज़, तो आपका आंसर यही जाएगा कि ये एक्सपोजर टू डिजीज़ है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। बिकॉज ऑफ पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसमिशन, ऑल इन्फेंट बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज टू HIV अप टू 18 मंथ, मतलब 18 महीने का होगा तब तक जो HIV इन्फेक्टेड मदर है उनके बेबीज पॉजिटिव आएंगे एंटीबॉडी टेस्ट के लिए। इसलिए कंफर्मेशन के लिए हम कौन सा, इस 18 महीने तक हम कौन सा टेस्ट करते हैं, HIV एंटीजन को डिटेक्ट करने का टेस्ट इसमें करते हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बनता है, मैं वो सभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए कि 18 महीने की एज होगी तो बच्चे को उस एज तक HIV एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। फिर अगला देखिए, HIV जो होता है वो उसका शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड होगा बच्चों में एडल्ट की तुलना में। चिल्ड्रन हु रिसीव द वायरस बाय प्लेसेंटल ट्रांसमिशन आर यूजुअली HIV पॉजिटिव बाई एज 6 मंथ्स। जो बच्चे प्लेसेंटल ट्रांसमिशन पाते हैं HIV पॉजिटिव मदर्स के, ठीक है, वो HIV पॉजिटिव रहते हैं 6 महीने तक, और सिम्टम्स होते हैं उनमें 3 साल तक डेवलप हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इनक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है, इसलिए 3 साल तक उनके सिम्टम्स आ ही जाते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव कब तक मिल जाएंगे हमें, 6 महीने की एज तक वो पॉजिटिव मिल जाएगा। अगला है हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया 2 प्रकार का मोस्टली होता है, ए एंड बी। ए होता है वो एड की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है, वो जो फैक्टर होता है क्लॉटिंग फैक्टर, उसके हार्ट फैक्टर की डेफिशिएंसी से होती है। यही मोस्ट कॉमन टाइप हीमोफीलिया है, आपको ध्यान रखना है। जनरली हीमोफीलिया के बारे में क्वेश्चन आता है, केवल हीमोफीलिया लिखा हुआ तो आपका आंसर हीमोफीलिया ए की तरफ जाएगा। तो पूछ लेगा उसमें कि कौन सा डेफिशिएंसी होती है, हार्ट वे की, या फिर इसको आप क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी है हीमोफीलिया बी, वो होता है नोवे की कमी से, 9th फैक्टर की कमी से, और क्रिसमस फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम इसको क्रिसमस डिजीज़ बोलते हैं।
हीमोफीलिया कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मीन्स एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है लेकिन ये रेसेसिव है, डोमिनेंट ना होकर के रेसेसिव है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल एनीमिया ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे में कौन सा एनीमिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका कारण क्या होता है कि पुअर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, रेड सेल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता, इस कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इनसफिशियंटली बॉडी स्टोर्स ऑफ आयरन लीड टू डिप्लेटेड रेड ब्लड सेल मास, मीन्स ये बता रहा है कि रेड ऑब्वियसली आयरन का स्टोरेज कम है, इसके कारण से आरबीसी इतना बढ़िया नहीं बनेगा, इसके कारण से हमें हाइपोक्रोमिया, मीन्स उसका जो क्रोम मीन्स आप कलर बोल सकते हैं, तो कलर उसका हल्का हो जाएगा, और वो किस कारण से, हीमोग्लोबिन ही रंग देता है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और वो उसकी वजह है कि इनसफिशियंट आयरन स्टोरेज, इसके कारण से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसी सेल्स दिखेंगी आपको, हाइपोक्रोमिक। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑकर्स व्हेन द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस रैपिड फिजिकल ग्रोथ। किस वजह से होता है, या तो रैपिड फिजिकल ग्रोथ हो बच्चे की, लो इन आयरन इनटेक हो, इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन हो, या फिर ब्लड का लॉस हो, ये सभी कारण हैं जिनके कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला देखिए, पीक इंसिडेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब होता है? तो जब 12 से 18 महीने का होता है तब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12 से 18 महीने का होता है तब ज़्यादा उसको, क्योंकि एक तो उसका वीनिंग चालू हो जाता है उस टाइम पे, इसलिए इसी टाइम पे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन चिल्ड्रन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, कौन सा ल्यूकेमिया होता है, जो WBC का कैंसर बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा रहता है, वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ALL। फ्रेंड इसके ऑन्कोलॉजी सब कुछ हम ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं बचा है कि हम डिटेल में पढ़ा सकें, पर जैसे ही दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में पढ़ाएंगे। जो भी फ्रेंड्स सेलेक्टेड हो जाते हैं उनको भी बेनिफिट रहेगा ऑब्वियसली नॉलेज के लिए, और जो नहीं हो पाते हैं उनके लिए तो होगा ही, तो हमारी पूरी टीम और मैं खुद इसके लिए प्रयासरत रहूँगा। ALL ये मोस्ट कॉमन टाइप ल्यूकेमिया है बच्चों में। ALL इज मार्क्ड बाई एक्सट्रीम प्रोलीफरेशन ऑफ इमेच्योर लिम्फोब्लास्ट, जो ब्लास्ट सेल बोलेंगे इसको, उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बनने बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस ये देखने को मिलता है, ब्लास्ट सेल आर सीन इन एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन सकते हैं मैंने सारे छाट के इसमें पब्लिश किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप इनको पढ़िए इस टाइम, क्योंकि आप पूरा थ्योरी कवर करने के चक्कर में रह जाएंगे, तो जो क्वेश्चन बनता है वो सभी इसमें डाला है मैंने। इन एडोलसेंट एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, बड़ों में क्या देखने को मिलता है, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया वो ज़्यादा कॉमन होता है, और ये किस कारण से होता है, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टेम सेल, जो सिंगल स्टेम सेल होता है वो उस ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब बदल जाती है और अलग अलग सेल्स बनाना शुरू कर देती है, तो उस कारण से एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। अगला है, ए चाइल्ड विद एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ब्लास्ट सेल अपीयर इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, जो ब्लास्ट सेल होती है नॉर्मली पेरिफेरल ब्लड में दिखती नहीं है, लेकिन ALL में ये दिखना शुरू हो जाती है। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप कि ब्लास्ट सेल किस में दिखती है, कौन सी जगह दिखती है और कौन से डिजीज में दिखती है, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। चिल्ड्रन बिटवीन एज 3 and 7, मतलब 3 से 7 साल के बीच में बच्चों में क्या होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है ALL का, यदि उनकी एज 3 से 7 के बीच में है तो उनका प्रोग्नोसिस का चांसेस ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा क्योर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब ALL के बारे में हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में हो गया, हीमोफीलिया के बारे में हो गया। अब आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपको पता है कि जो ब्लड सेल्स होती है उसमें हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल में डिफेक्ट हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, और इस कारण से वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो अल्टर हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता, ये सब सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। जो सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी सेल जो शेप अल्टर्ड हो जाती है, एस शेप हो जाती है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में RBC है वो किस शेप में आ जाती है, सिकल के शेप में आती है, जिसको आप नॉर्मली हसिया बोलते हैं उस टाइप की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में
पीरियोडिक पेनफुल अटैक्स जिसको हम सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं वो ज़्यादातर होता है। ये किस कारण से होता है? डिहाइड्रेशन, डीऑक्सीजनेशन एंड एसिडोसिस। ये ध्यान रखिएगा आप, ये तीन कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट है कि किन कंडीशन के कारण से सिकल सेल क्राइसिस होता है। वो होता है डिहाइड्रेशन, या तो पानी की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर एसिडोसिस हो। ऑब्वियसली इनका ट्रीटमेंट भी आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा। बच्चे को फ्लूड देना पड़ेगा, बच्चे को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और बच्चे को एल्केलोसिस के लिए आपको जैसे सोडा बाइकार्ब है या फिर रेस्पायरेटरी एसिडोसिस है तो आपको ऑक्सीजन इससे हो जाएगा, ऑक्सीजन से, तो ये देना पड़ेगा। सिकल सेल एनीमिया ये कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा आपको, हीमोफीलिया कैसा है, सिकल सेल एनीमिया कैसा है, थैलेसीमिया कैसा है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे नोट आता है वैसे आप लिखते जाइए। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये एक्स लिंक्ड नहीं है। बता दूं आपको, इसमें चाइल्ड क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन एस है वो दो हेल्दी पर्सन हु कैरी द डिफेक्टिव जीन, मतलब दोनों स्वस्थ होंगे वो तो, लेकिन उनका, जैसे अब मैं बताऊं आपको कि सपोज हम बताते हैं कि दो गुणसूत्र होते हैं, सपोज ये मान लेते हैं हम, तो इसका हीमोग्लोबिन, सॉरी, जो एच बी है वो डिफेक्टिव है, लेकिन ये इसमें नहीं दिखा रहा लक्षण। ऐसे ही इसका मान लीजिए, तो इसका ये एक्स लिंक्ड नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। चलो मैं इसको हटा के बताता हूँ आपको। तो सपोज ये गुणसूत्र है ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये एक, ये अल्टर्ड है, ये अल्टर्ड है, दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनमें लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इनकी जनरेशन होगी उसमें इसका लक्षण दिखेगा। तो इस हिसाब से ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। और ये जो सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन एस मिलता है वो दो हेल्दी पर्सन से मिलता है जो इसको कैरियर होते हैं उनसे। थैलेसीमिया की बात करते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनका डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है, जिसके कारण से आरबीसी भी सिंथेसिस नॉर्मली नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा कि एच बी प्रोडक्शन है वो अल्टर्ड हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया सबसे कॉमन टाइप है जो डिफेक्टिव बीटा पेप्टाइड चेन सिंथेसिस के कारण से होता है। बीटा पेप्टाइड चेन सिंथेसिस डिफेक्टिव होता है, उस वजह से होता है। बीटा थैलेसीमिया ओकर तीन इसके क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं, मेजर, इंटरमीडिया एंड माइनर। ये तीन इसके फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और इससे जो बचे हुए पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।